हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तिस्ना। सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। मेरे चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूँ। आज मैं क्रिसेंथेमम प्लांट कैसे केयर लेना है और क्या फर्टिलाइजर ज़रूरी है इस वीडियो पर दिखाऊंगी। मैं आशा करती हूँ आप इन तक इस वीडियो को देखेगी और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। एक खूबसूरत प्लांट आपको आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत सारा फूल खिल रही है। अभी विंटर सीजन में फूल देती है। मैं हूँ तिस्ना, आपको फोटो दिखा रही हूँ। मैंने क्रिसेंथेमम प्लांट पॉलीथीन बैग में रेडी किया है। बिजनेस के लिए ऑर्डर किया है। मेरे कुछ फ्रेंड ने मुझसे खरीद लेगी। मेरी बड़ी गार्डन में ही है। जो मुझे ऑर्डर करती है मैं उसको रेडी करती हूँ, और ज़्यादा नहीं क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलती है। जो करती हूँ मैं खुद करती हूँ, कोई भी हेल्पर मेरे साथ नहीं है क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ। ज़्यादा टाइम गार्डन के लिए ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिलती है। जो मिलती है मैं फ्लावर के साथ टाइम बिताती हूँ उसको। आप जानती हैं मैं रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पाया है क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलती है। मेरा दो लड़का है, उसको टाइम देना है। आप देख रही है क्रिसेंथेमम प्लांट प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा ब्रांचेस पाने के लिए, ज़्यादा फ्लावर पाने के लिए आपको दिखा रही हूँ क्या काटना है, कैसे उसको प्रूनिंग करना है आपको दिखा रही हूँ। उसको धूप में रखिए। क्रिसेंथेमम प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप चाहिए। दिन में आप 4-5 आवर्स उसको धूप चाहिए। ज़्यादा पानी हो गया है और मर चुकी है। कुछ ब्रांचेस आप देख रही है ख़राब हुआ है। ऐसे आप उसको कटिंग कीजिए उसको, और फिर न्यू ब्रांच आएगी और नीचे के जो बर्न आती है उसको साफ कीजिए। पॉलीथीन बैग में भी आप ज़्यादा फूल पा सकती है। उसको केयर लेना है, उसको रोज़ देखना है क्या चाहिए उसको, आप ध्यान दीजिए। बहुत सारा फूल आएगी पॉलीथीन बैग में भी आपका पास। इतने फ्लावर में क्योंकि बहुत खर्च करना पड़ता है उसको, पॉलीथीन बैग में आप कम खर्च में वो लगा सकती है क्योंकि आपको वो लोड नहीं ले पा रही है। इसीलिए मैं रस्सी से बांध दिया है उसको। ज़्यादा ब्रांचेस हो गया है, वो लोड नहीं ले पा रही है, आप देख रहे हैं। मैंने ज़मीन में भी लगा के रखा है और अभी फूल खिलने के लिए टाइम हो गया है। फूल आएगी, अभी कली आ रही है, आप देख रही है कली आ चुकी है। कली आने के बाद आप कभी उसको नहीं काटना चाहिए, उसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। जो कली आने के बाद आप उसको नहीं काटना चाहिए ब्रांचेस को। और थोड़ी सी फंगस इन्फेक्शन हो गया है, उसको केमिकल यूज़ करना पड़ेगा। आपको दिखा रही हूँ मैं बहुत, आप देख रही हैं बहुत सारा कली आ चुकी है अभी तक। अभी आ गई है ज़मीन में, उसको लगा के रखी हूँ। आपको दिखा रही हूँ मैं 20-20-20 NPK फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ क्रिसेंथेमम प्लांट में। 3 लीटर पानी में मैं 2 चम्मच NPK दे रही हूँ, आप देख रही है। उसको ठीक से घुल के
आप हफ्ता में एक बार जरूर दीजिए एनपीके फर्टिलाइजर। आप कोई भी एनपीके फर्टिलाइजर कोई भी कंपनी से ले सकती है, उसको क्रिसेंथेमम प्लांट में देना चाहिए। लिक्विड फर्टिलाइजर जरूरी है, बहुत ही खूबसूरत होती है उसके उसका सेहत के लिए। मेरी वीडियो को अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।